सही है ना, उसका आवाज आवाज तो नहीं है। अब प्रेसिडेंट। अच्छा जो देखो तुम्हारे एजीएमसी वाले आ चुके हैं, प्रेसिडेंट एल्ड्रिन रॉय। देखिए आज लोकस एकेडमी की तरफ से पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपके लिए, तो आप फटाफट उसे देखिए और जहां प्रॉब्लम है आप इनसे पूछ सकते हैं। सौमी जी दे, आपने पहले कभी इनको देखा होगा, देख ले भैया ये करेक्ट हो जाएगा अपने पास। जब भी कभी आगे पीछे इनका पहला लाइव है तो कुछ गलतियां हो सकती हैं अपने पास, ठीक है? तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार वो बोल देना है, कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, बस नेट के बच्चों का थोड़ा हेल्प हो जाए। तो 11th की कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, अगर ये अच्छे से आज का लाइव चलता है तो फर्दर कुछ और लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे बायोलॉजी के, ठीक है? फर्स्ट क्लास है इसलिए बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड और कुछ समथिंग एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है आपको। आप बस फटाफट देखिए, कोई अगर लाइव क्लास में ऑडियो वीडियो किसी चीज में प्रॉब्लम है तो आप फटाफट बोल सकते हैं इनको, ठीक है? 50 क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो आप फटाफट देख लीजिए और प्रॉब्लम आप इनको बता सकते हैं। वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा रोक रहा है ना, चलिए एक सेकंड देख लेते हैं ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नॉर्मल जो स्लाइड्स हैं उनको देखिए और जो आपको प्रॉब्लम है वहां पर क्वेश्चंस में आप इनसे डाउट पूछ सकते हैं। मैं बायोलॉजी जिस दिन सीख लूंगा उस दिन जरूर कराऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? पौलामी रॉय जी उन्होंने बोला कि मैंने सोचा आप ही करा देंगे बायोलॉजी अगर आता तो मैं जरूर करा देता यार। चलो फिर फटाफट 50 क्वेश्चंस हैं और जितनी जल्दी से जल्दी ये करा पाएंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ये स्वामी जी दे आपके 50 क्वेश्चंस क्लास 11th की बायोलॉजी की प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके नेट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फटाफट लाइव जुड़िए और क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स कमेंट करते रहिए, जो प्रॉब्लम है आप इनको बता सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं ये लाइव सेशन। हेलो, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं बोल के हम बोल सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि कैसे किस तरीके का टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, ऐसे नीट में रहता है सिंपल क्वेश्चन भी रहता है, कॉलम भी कॉलम चॉइस भी रहता है, हाँ स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है। इस बार नीट में बहुत सारे assertion reason भी आए हुए हैं, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में ये हम देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। प्रियॉन्स इज ए प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट, इट इज ए हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लास 11 के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें लास्ट में बिल्कुल लास्ट में एनसीईआरटी के जो है उधर प्रियॉन्स का एक नया एनसीईआरटी के न्यू एडिशन में प्रियॉन्स है, उसमें लिखा है कि कौन सा नॉट कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, कौन सा डिजीज जो है जो प्रियॉन्स की नहीं कॉज करता है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE जो रहता है वो प्रियॉन्स की वजह से ही होता है, हमने देखा है एनसीईआरटी में। और सीआर जैकब डिजीज जो ह्यूमंस में होता है जो ये भी प्रियॉन्स की वजह से ही होता है, और मैड काउ डिजीज इन कैटल ये भी जो सीआर जैकब डिजीज जो ह्यूमंस में होता है उसका एनालॉजी जो होता है होमोलोगस एनालोगस जो डिजीज होता है बस वही है। तो मैड काउ डिजीज इन कैटल भी प्रियॉन्स की वजह से होता है, लेकिन पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो वायरॉइड की वजह से होता है, वायरस नहीं वायरॉइड की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बिल्कुल परेशान नहीं हुई। हाँ, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कॉलम, जैसे इस बार के अगले महीना नीट 2021 में बहुत सारे जो क्वेश्चन आए थे कॉलम बेस्ड हुआ था, मैच द फॉलोइंग कॉलम या फिल द फॉलोइंग कॉलम करके ऐसे कुछ आया था, जिसे हम देखते हैं अभी। क्लास ऑफ फंजाई ये भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है फंजाई का। इसमें लिखा है कि फंजाई का टाइप्स रहता है, चार टाइप्स के फंजाई रहता है हमारा, फाइकोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रीमाइसिटिस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की जो है सीक्वेंस वाइज
हाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड यूटेरोमाइसिटिस। ऐसे हाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल क्या क्या है, एलबीओ को ए पैरासाइटिक फंगस जो रहता है ये होता है हाइकोमाइसिटिस। एग्जाम में जो हमें सोल्यूशन करना है तब देख के कॉलम, जब सोल्यूशन करना है उसके उसे कॉलम टू में उसके जो कॉलम वन में जो है लिख लेना है, जैसे कि इजी हुआ हमारे हमारे लिए। उसके बाद आते हैं एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में रहता है एस्पर्जिलस नाइगर क्लेबिसेस पार्पियुरा न्यूरोस्पोरा कासा, जो बायोलॉजिकल जो हेल्पफुल है बायोलॉजिकल एक्सटेंसिव वर्क के लिए। तो हाइकोमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस में आ जाएगा एस्पर्जिलस नाइगर, ये हो जाएगा बी पार्ट। उसके बाद डियोटरमाइसिटिस, डियोटरमाइसिटिस में रहता है ऑल्टरनेरिया कोलिटिकम एंड टिकोडर्मा, तो डियोटरमाइसिस का एग्जांपल हो जाएगा सी। तो बच्चों के लिए ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल ए के बचा हुआ है एगारिकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा थ्री, ए का थ्री, बी का हो जाएगा, ए का हो जाएगा, ए का इसका आंसर होगा बी पार्ट। ए का हो जाएगा टू, बी का हो जाएगा थ्री, सी का वन एंड डी का फोर। अभी हमने पूछा है कि सेम ही चैप्टर से जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, स्टेट ट्रू टी एंड फॉल्स है, इधर फॉल्स कौन सा है और ट्रू कौन सा है ये देखने को हमें बोला है। एबंडेंस ऑफ लाइकेन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन। हमने एनसीईआरटी में देखा है कि जहां SO2 का पॉल्यूशन ज्यादा होता है उधर लाइकेन नहीं होता है, लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। तो एबंडेंस ऑफ लाइकेन इंडिकेटर इंडिकेट्स SO2 पॉल्यूशन, नहीं ये तो नहीं होगा, ये होगा फॉल्स। जहां SO2 का पॉल्यूशन है उधर लाइकेन नहीं होगा। और फंगल कंपोनेंट इज द फाइकोबायंट एंड एनालॉग कंपोनेंट इज माइकोबायंट इन लाइकेन। लाइकन में दो कंपोनेंट होता है, एक है फंजाई बॉडी और एक है एल्गल बॉडी। एल्गल बॉडी को हम बोलते हैं फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायंट, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। और अभी थर्ड स्टेटमेंट है हम देखते हैं कि लाइकेंस हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी। जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि लाइकन में रहता है एक फंजाई और एक एल्गी, तो ये हो जाएगा टू, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो नीट हुआ था उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड भी आया था क्वेश्चन और एसेसमेंट रीजन भी आया था, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस बार भी मोस्ट प्रेडिक्टेड है कि एसेसमेंट रीजन स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ना हो कि कुछ तो आएगा एसेसमेंट या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट वन में मोनोग्राफ्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ऑल स्पीसीज नहीं है, मोनोग्राम्स। इसमें याद रखना है कि मोनो मोनो मतलब है वन, तो वन स्पीसीज मतलब फाउंड इन ऑल स्पीसीज नहीं बट वन स्पीसीज, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और उसके बाद मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन टैक्सन, जो बोला है स्टेटमेंट वन में भी कि बस एक ही टैक्सन का जो बताता है इंफॉर्मेशन वो होता है मोनोग्राम्स। लेकिन मोनोग्राफ्स इधर स्टेटमेंट में बोला है कि मोनोग्राम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन टैक्सन, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा फॉल्स। इसे बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि द क्विक रेफरल सिस्टम, सेम ही चैप्टर का क्वेश्चन है द लिविंग वर्ल्ड का, उससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन आता है नीट में। तो द क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, टैक्सोनॉमिकल एड में लास्ट में जो टॉपिक है वो है हर्बेरियम, उसमें की या वगैरह कुछ दिया रखा है लीड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को बोलते हैं कपलेट और एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड, तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उधर। और क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज हर्बेरियम, उधर हो जाएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम का कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम में पांच चीजें होते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ क्या क्या कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर नेम, कलेक्टर स्पीसीज या कुछ जो एनसीईआरटी में है, जो पांच चीजें हम हर्बेरियम से जान सकते हैं, तो वही हमें देखना पड़ेगा एनसीईआरटी से भी, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से नेमली बायोलॉजिकल नेम जो लीन ने दिया था केरलास लिनियस ने, उधर से जो क्वेश्चन आता है मेंगिफेरा इंडिका लीन करके, जेनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये टैक्सोनॉमिकल एड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से द लिविंग वर्ल्ड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाई द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तो टेरिडोफाइट जो रहता है वो प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम चैप्टर का क्वेश्चन है ये।
टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन। टेरिडोफाइट क्यों रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड रहता है, तो बस थोड़ी रीजन पे, ज्यादा रीजन में यह स्प्रेड नहीं करता है टेरिडोफाइट। क्यों? द स्पोरोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस टू ग्रो। तो इधर स्पोरोफाइट लिखा है, लेकिन हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट गैमेटोफाइटिक बॉडी होता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इधर स्पोरोफाइट लिखा हुआ है। हमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ठीक से पढ़ना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में इधर गैमेटोफाइट लिखा हुआ है, उसका मेन प्लान बॉडी होता है गैमेटोफाइट। ऐसे तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन मेन होता है गैमेटोफाइट, तो इधर लिखा है स्पोरोफाइट, तो ये नहीं होगा। There is a need of water for fertilization. Yes, there is a need of water for fertilization in the case of pteridophyta, also in bryophyta. लेकिन इधर pteridophyta की बात करें तो हम pteridophyta बोलेंगे कि इधर there is a need of water for fertilization. बहुत एयर भी तो नहीं होगा, none of this तो नहीं होगा, आंसर होगा बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर एक स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत सारे स्टेटमेंट इस बार भी नीट में आए थे, बहुत सारे इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, बहुत क्वेश्चन आए थे, तो यह हम देखते हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो हमें सेक्शन बी में अगर ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को अवॉइड करके चलना है। ये सब क्वेश्चन जैसे छोटा अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो करना है पहले, उसके बाद ये सब बड़ा वाला क्वेश्चन। अगर ये सेक्शन ए में आ जाए तो करना ही पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं। इसके लिए एनसीईआरटी बहुत मतलब रटना चाहिए एनसीईआरटी पूरा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा, ज्यादा देर लगेगा, ये सब क्वेश्चन इतने जल्दी नहीं होगा। तो चलते इस क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? इट कंटेन्स पिगमेंट About the radial algae, हमें स्टेटमेंट पूछा है radial algae की तरफ। जब कोई स्टेटमेंट के बारे में कोई पूछेगा तो इसे सर्कल कर लेना है कि हमें इस ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि radial algae है, green algae है और brown algae है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब इस स्टेटमेंट में कुछ पूछेगा कि इस चीज के बारे में बोलना है, तो इसको राउंड करके ऐसे हाईलाइट कर लेना कि माइंड में ये घुसना है कि radial algae के बारे में पूरा क्वेश्चन आएगा हमारा। इट कॉन्टेन्स पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। ये तो करेक्ट है, क्योंकि जो ग्रीन एल्गी रहता है, ग्रीन एल्गी में ए बी रहता है मेन पिगमेंट ग्रीन एल्गी में। उसके बाद जो ब्राउन एल्गी रहता है उसमें रहता है ए एंड सी, और जो रेड एल्गी रहता है उसमें रहता है ए एंड डी, ए सी एंड फियोकोजेंथिन, और ब्राउन एल्गी में रहता है फाइकोएरिथ्रिन। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, और पहले जो पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछा है हमें करेक्ट नॉट करेक्ट या नॉट इनकरेक्ट, इसको पहले हाईलाइट करना करके रखना चाहिए। जैसे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है हमें, तो ये पहले करेक्ट है, पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर एरियाज। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, और ये बिल्कुल सही बात हमें बोला है कि मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो रहता है वो मैरन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन वार्मर एरियाज। उसके बाद रेड थैलाय और द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। हाँ, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, रेड एल्गी में है सारे। जो रेड थैलाय रहता है वो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं, मल्टीसेलुलर रहता है। यूनिसेलुलर शायद ग्रीन एल्गी होगा, लेकिन मल्टीसेलुलर जो है वो रेड एल्गी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट। सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, सम ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म करता है, तो ये होगा फॉल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सॉरी, सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, मेनली सिर्फ ये रेड एल्गी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, ठीक। तो इसका आंसर, इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस और एनाइसोगेमस में रेड एल्गी में नहीं होता, ये सब ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी में होता है, रेड एल्गी में सिर्फ ओगेमस से होता है, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 and 4 आर करेक्ट। ऐसे कोई ऑप्शन है इधर? All except, हाँ ये होगा आंसर ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5 आर करेक्ट। ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द क्लास कॉन्डिक्टिस। कॉन्डिक्टिस ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट जो यूनिट है उसमें एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, उसमें से 3 या 4, जैसे एक यूनिट से अगर 10 या 12 क्वेश्चन आए तो ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर हम कैरी कर सकते हैं, और उसमें से ये एक चैप्टर है। जैसे प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम, इसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ सकते थे, और जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो पहला स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है हमें, तो ये जब पूछा तो पहले इसको हाईलाइट करना चाहिए कि क्या पूछा है हमें, करेक्ट या नॉट करेक्ट। अबाउट द क्लास कॉन्डिक्टिस, कॉन्डिक्टिस के बारे में पूछा है। दे आर मैरिन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी।
दे आर मैरिन एनिमल्स होता है विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है, एंड हैव कार्टिलेजनेस एंडोस्केलेटन, हाँ ये भी सही है, नॉट अकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, हमें पता है कि जो कॉर्डेट्स होता है उनका जो नॉट अकॉर्ड होता है वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है, तो कॉन्डिक्टिस एक नॉट अकॉर्ड है और उसका जो परसिस्ट नॉट अकॉर्ड परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ. स्किन इज कवर्ड बाय द साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल, नहीं साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल इनका नहीं होता, साइक्लॉइड और टीनॉइड होता है ऑस्टिक्टिस का और इनका होगा प्लैकोइड स्केल, प्लैकोइड, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. और उसके बाद दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हाँ ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और दे आर, ये पूरा एनसीईआरटी से रटना, इसका कोई सिंपल तरीका या कुछ नहीं है कि कौन सा इंटरनल फर्टिलाइजेशन देगा कौन सा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देगा, बस इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन देता है बस ये याद रखना है, और इसका कोई ट्रिक्स नहीं है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन जो क्लास है उसका देगा. दे आर मोस्टली ओविवरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नहीं ओविवरस नहीं, ये जो होता है ये क्लास ये होता है विविवरस टाइप, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. तो नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट है हमारे पास 3 और 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक कॉलम, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड. कॉलम 1 में दिया हुआ है सारे ऑर्गेनिज्म के नाम और उधर फाइलम क्या होगा उसका लिखा हुआ है, और पेरापोडिया कहाँ रहता है हमारा पेरापोडिया, पेरापोडिया रहता है एनिलिड्स पे, एनिलिड्स के स्विमिंग में हेल्प करता है पेरापोडिया, तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए. और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रहता है टीनोफोर पे, बी का होगा 3. क्वानोसाइट्स और कोरल सेल लाइन स्पॉन्जोसिल इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस मीन्स पोरीफेरा, तो सी 4 का होगा सी. और रेडुला, रेडुला होता है माउथ किसमें, मोलस्का में रहता है, तो इसका होगा डी. तो ए का होगा 2, ए का 2 दो में है, ऐसे करना है और 2 को डिलीट करना है हमें, पहले 1, उसके बाद बी का होगा 3, बी का 3 इसमें है तो आंसर हो जाएगा बी, ऐसे टाइम कंज्यूम करना है हमें. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द एनिमल्स बॉडी बिलोंग टू द फाइलम हेमिकॉर्डाटा इज डिवाइड्स इनटू द, हेमिकॉर्डाटा एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिज्म नहीं फाइलम है, उसके जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिवाइड होता है किस किस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रोपोसिस, कॉलर एंड शॉर्ट ट्रंक या लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक में डिवाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट. फिर से कॉलम आ गया, तो इसमें हम देखते हैं कि जो नेम दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म का और साथ में इसका कॉमन नेम दिया हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन सकता है अगर किसी में आ गया तो इस बार नीट में. तो एक जो एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म के नाम दिया होता है और जो कॉमन नेम होता है उसका कॉलम मैच करना, तो ये सबको याद रखना है कौन सा ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम कौन सा है. जैसा पीला, पीला का होगा अपेल स्नेल, तो 3 का होगा ए. और ऑक्टोपस जो होगा उसका होगा डेविल फिश, तो 4 का सी. लॉलीगो होगा स्क्विड, सारे ये कौन से फाइलम का है, सारे मोलस्का का है, लॉलीगो होगा स्क्विड, तो उसका होगा डी. और सेपिया कटल फिश, तो ई होगा 2 का, तो ए 3, तो ये दोनों में, ये दोनों कंपटीशन में है, तीनों कंपटीशन में, ये कंपटीशन के बाहर. तो उसके बाद बी को छोड़ो, सी जो याद है वही हमें बोलना है कि पांचों एक साथ टूट पड़े पांचों के अंदर, ये नहीं, जो याद है हमें उसमें हमें जाना है. तो सी का फोर ये कंपटीशन के बाहर कौन गया, ये भी कंपटीशन के बाहर. तो अभी देखना है डी में, तो डी कौन सा डी है, 1, डी 1 कहाँ है, ये भी कंपटीशन के बाहर, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which one of the following is incorrect? पूछा क्या है, incorrect कौन सा है, चार स्टेटमेंट हमें दिए हुआ है और पूछा है कि incorrect कौन सा है इसमें. Digestive system in the platy alimentis has only single opening to the inside of the body. तो NCERT अगर कोई ठीक से भरा होगा तो ये समझेगा कि ये समझ में आएगा क्वेश्चन. तो ये inside of the body नहीं होता, outside of the body होता, तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वही हो जाता है incorrect. फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. इन ओपन टाइप ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट.
बिल्कुल सच बात है और करेक्ट स्टेटमेंट है. इन क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ द वेसल इन डायमीटर, ये भी सही है. एंड इट प्रोसेस ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, जो स्पॉन्जेस रहते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाता है, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सेलुलर टिश्यू लेवल जो दिखाता है वो एक कॉन्सेप्ट जो सिलेंटरेटा और टीनोफोरा, और जो प्लैटियल मेंथिस रहता है ऑर्गन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, और उसके बाद जो रहता है एस्टेल मेंथिस एनिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकेनोडर्मा हेमिकोडर्टा और कॉडर्टा जो रहता है वो सारे दिखाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडी. तो इसका आंसर हो जाएगा एट पार्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रिवेंटिंग वाटर इन लॉस इन प्लांट. ये बोटानी का क्वेश्चन है हमारे पास. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग वाटर इन प्लांट्स. ये शायद चैप्टर 6 का क्वेश्चन है क्लास 11 का. तो ट्राइकोम्स हेल्प करता है हमें प्रिवेंटिंग ऑफ द वाटर इन लॉस इन प्लांट में, और क्यूटिकल हेल्प करता है रूट है, रूट में तो क्यूटिकल नहीं रहता है और रूट में वाटर प्रिवेंट करने का कोई बात ही नहीं है. तो बी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा बोथ बी एंड ए एंड सी. द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव, ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है. कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स. द सेल्स दैट कट ऑफ टुवर्ड्स द पीथ एंड पेरिफेरी मैच्योर इनटू, जैसे हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसे रहते हैं. इधर जाइलम रहते हैं और बाहर की तरफ रहते हैं फ्लोएम. इधर रहेगा जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जब बाहर से एक्टिव होगा तब अंदर की तरफ जो है वही टूट जाएगा. तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि पहले ये टूटेगा उसके बाद प्राइमरी वाला टूटेगा. पहले टूटेगा सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी कौन सा, जाइलम भी टूटेगा और फ्लोएम भी टूटेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फ्लावर्स आर नॉट हाइपोगैमस. हाइपोगाइनस, तो तीन टाइप के होते हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, सुपीरियर हाफ इंपीरियर इंपीरियर. जैसे डिवाइड करते हैं ओवरी का पोजीशन के ऊपर, ओवरी कैली स्कोरोला उसका पोजीशन थैलेमस के ऊपर किस जगह पे है उसके ऊपर डिपेंड करके हम ये डिफाइन कौन से हाइपोगाइनस है फ्लावर, कौन से पेरिगाइनस और कौन से एपिगाइनस. हाइपोगाइनस के फ्लावर होते हैं जो एग्जाम्पल है एम सी बी मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल. उसके बाद जो होता है वो होता है पी से कौन सा, पेरिगाइनस 3P पाम रोज पीच. ये पी नहीं, ये आर है पी आर पी पाम रोज पीच इसका जो एग्जांपल है. और उसके बाद आता है गुआबा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर जो आता है वो आता है हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपिगाइनस फ्लावर जो रहता है उसका एग्जांपल रहता है गुआबा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. तो हमें इधर देखना है कि कौन सा नॉट हाइपोगाइनस फ्लावर है. तो हाइपोगाइनस है मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल, तो मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल. उसके अलावा कौन सा है, गुआवा. तो गुआवा हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें पूछा है कि आर नॉट हाइपोगाइनस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेजिटेबल्स हैव फ्लैशी लीव्स व्हिच स्टोर फूड. इधर जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा जो वेजिटेबल्स है वो लीव्स में फ्लैशी लीव्स जो रहता है उसमें स्टोर करता है फूड, कौन, ऑनियन और गार्लिक. ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी का क्लास 11 का फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच. 17 एक क्वेश्चन बच गया हमारा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से हमारा क्वेश्चन ये है. व्हिच ऑफ द फ्लावरिंग फ्लोरल फॉर्मूला थ्री टाइप्स ऑफ फैमिली हमारे बुक में है, फेवेसिया सोलानेसिया लिलीसिया. उसके अलावा भी उसके पहले एक डायग्राम है हमारे एनसीईआरटी बुक में लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर उसके जो पहले जो पेज है जहां से स्टार्ट होता है फेवेसिया की ठीक ऊपर वाला, तो उसमें एक डायग्राम दिया है हुआ है और नीचे लिखा हुआ कि ये फैमिली है ब्रासिकेसी फैमिली. तो उसका फ्लोरल फॉर्मूला है ये. ये नोट करके रखना, ये कभी पूछा नहीं है नीट में, रीनीट में इस बार 2022 रीनीट में इस बार पूछा गया है. तो ये इस बार भी आ सकता है या
ऐसे ब्रासिकेसी फैमिली ना हो, फेविसिया, सोलानेसिया या लिलिसिया से कोई उठा के फ्लोरल फॉर्मूला पूछ सकता है, ये देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा सोलानेसिया, फेविसिया, लिलिसिया, कुछ भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस बी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन, ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11। इसमें पूछा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या है, नॉट इनकरेक्ट मतलब है करेक्ट, ये लिख लेना बाद में, ये नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ये बाद में जो होता है एक एक उधर नीट में एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये गलतियां मत करना कि नॉट इनकरेक्ट देखा, इनकरेक्ट मैंने पढ़ा और इनकरेक्ट सिलेक्ट करके आ गया आंसर देखें, ये गलतियां मत करना। तो हमें लिख लेना है नॉट इनकरेक्ट मतलब क्या है, करेक्ट। थ्री गैंग्लिया लाइन द थोराक्स एंड द सिक्स इन द एब्डोमेन, ये तो बिल्कुल सही बात है, चलिए ये रहने देते हैं और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट ऑप्शन है उस तरफ देखते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड करता है। द हेड होल्ड्स द बीट ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अराउंड द डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल पार्ट नहीं वेंट्रल पार्ट, ये एनसीईआरटी का लाइन है। इन द हेड रीजन इज द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा ओसिफेगल गैंग्लियन हु सप्लाई द नर्व्स एंटेना टू द मैक्सिलरी पल्प्स, एंटेना टू मैक्सिलरी पल्प में ही एंटेना एंड आइस होगा इसका, तो ये भी गलत आंसर होगा ए पार्ट। द सेल्स अदर देन न्यूरॉन्स व्हिच मेक अप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन के अलावा जो न्यूरल टिश्यू है, कौन सा न्यूरल टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट्स के मोर देन 50% बनाता है न्यूरॉन पे। द सेल्स अदर देन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अलावा व्हिच मेक मोर देन वन हाफ 50% से ज्यादा वॉल्यूम न्यूरल टिश्यू ऑफ आवर बॉडी बनाता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरल टिश्यू में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में न्यूरल टिश्यू में उधर है पूरा एनसीईआरटी का लाइन है ये। व्हाट इज द रॉन्ग रेस्पेक्ट टू द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के रेस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग है। द स्टेटेड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन रैंडमली फैशन, रैंडमली फैशन नहीं ये पैरेलल फैशन होगा शायद, ये एनसीईआरटी में लाइन है, ये गलत बात है, रैंडमली फैशन नहीं ये पैरेलल फैशन में रहता है। ए शीट ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू एनक्लोसेस मेनी बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर, लूज कनेक्टेड टिश्यू नहीं ये होगा डेंस कनेक्टेड टिश्यू। स्केलेटल मसल पार्शियली अटैच टू द स्केलेटल बोन, पार्शियली नहीं ये फुल्ली अटैच रहता है, ऐसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक वर्ड को चेंज करके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका रॉन्ग, रॉन्ग ऑल ऑफ द अबव आर रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ द मेसोसोम, ये सेल वाला जो चैप्टर है ये दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद, जो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है पहला यूनिट, और उसके बाद जो यूनिट आता है वो सेल, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आने का प्रॉबिलिटी रहता है, तो हमें देख लेना चाहिए इधर फॉलोइंग ऑफ द व्हिच ऑफ द करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द विथ रेस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ मेसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोसोम रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका फंक्शन क्या क्या है हमें देखना है। इसका ये दिया हुआ है सेल वॉल फॉर्मेशन हाफ, जो मेसोसोम रहता है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उसका इनफोल्डिंग या बाहर की तरफ जो निकलता है उसको बोलते हैं मेसोसोम। तो सेल वॉल फॉर्मेशन उसका फॉर्म करना उसका काम है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मेसोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, हाँ ये भी सही है, बहुत सारे काम एनसीईआरटी में है ये मेसोसोम का, सब देख लेना क्योंकि इससे एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सीक्रेशन प्रोसेस, हाँ ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ये भी सही है, तो इसमें पूछा है करेक्ट और करेक्ट है चारों, उसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। हाउ मेनी सेल चैप्टर का ही क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग डायग्राम, ये फॉलोइंग डायग्राम किसका है, गॉल्गी का, ये डायग्राम इधर दिया हुआ है गॉल्गी बॉडीज का, और हमें पूछा है कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है। कैमिलियो गॉल्गी इन 1892 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस, यह सही है या गलत, चलिए इसको बाद में देखते हैं हम, पहले आप आंसर बता दीजिए। कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ सिस्टर्न या द प्रेजेंट, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ सिस्टर्न नहीं, इसमें वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्न प्रेजेंट रहते हैं इसमें। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू द ईच अदर, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है ये गलत। दे आर स्केलेटन सिस्टर्न या द कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सीस और डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सीस और द मैच्योरिंग फेस, नहीं डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सीस और
forming phase and the concave transfer maturing phase. The seas and the trans phases of these organelles are the entirely different but interconnected. हाँ, ये भी स्टेटमेंट एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड. हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत. और इधर हमें देखा है कि कैमिलिया गोल्गी इन 1892, इधर 1892 नहीं, एनसीईआरटी में हम अगर अच्छे से देखें तो इधर लिखा है 1898, तो ये स्टेटमेंट भी होगा गलत. हमें पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा सी पार्ट 3. आंसर इधर देख के मत बोला करिए, खुद से करके बोलिए तो अच्छा एक जोश आएगा. Which of the following statement not true? Plasma membrane is selectively permeable. हाँ, ये तो वैसे ही है, लेकिन हमें पूछा है not true, मतलब incorrect कौन सा. Plasma membrane is selectively permeable, ये सही है. Polar molecules cannot pass through the polar lipid barrier. Like dissolves like. Polar molecule polar से pass होगा, लेकिन इधर लिखा है कि cannot pass, तो cannot pass नहीं होगा, ये हो जाएगा incorrect. Neutral molecules pass the membrane through the diffusion. हाँ, diffusion से neutral molecule pass करता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जिबिटेड विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द एटीपी. हम जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या जरूरत होता है एटीपी का, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओमनी सेलुलाइजिली ऑल सेलुलाइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जैसे पहले दो साइंटिस्ट आए थे, वो दोनों ने सेल थ्योरी के बारे में बता के गए थे, लेकिन ये नहीं बताया कि नया जो सेल आता है वो कहाँ से आता है. तो ये बात आके बुलाया हमें रुडलो विर्चो ने इन 1855, शायद ये होगा, एक थ्योरी दिया था ओमनी सेलुलाई सेलुली. इसमें उन्होंने बताया कि कैसे नया सेल एराइज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, स्लेट एंड एंसोआ. नहीं, वो तो पहले सेल थ्योरी जाके देके चले गए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ऑल सेल सेल कहाँ से आते हैं, नया जो सेल आते हैं कहाँ से आते कहाँ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा. ये बताया था हमें रुडलो विर्चो ने इन 1855, जो ईयर है वो भी याद रखना है. स्लेडन और स्वान जो आए थे वो भी 1838 और 1839 में आए थे. तो इधर जो ओमनी सेलुलाई सेलुली जो थ्योरी दिए थे वो दिए थे विर्चो साहब ने. चलते अगले स्टेटमेंट की तरफ. ये बायोमोलिक्यूल से हमारा एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 का. द गिवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड एमिनो एसिड लेबल्ड एज एक्स वाई जेड. बायोमोलिक्यूल का तीसरा पेज का ये एक डायग्राम से डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन जो नीट में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो इधर दिया हुआ है. जो एक्स में अगर मैं एज बिठा दूं, वाई में अगर इस जगह पे एमिनो एसिड का मिथाइल ग्रुप लगा दूं और CH2OH लगा दूं मैं, तो कौन से एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड का नाम क्या होगा. तो इसका नाम हो जाएगा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड. सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन, और इधर CH3 लगाने से बन जाएगा एलानिन. हैंड राइटिंग में मत जाओ मेरा. और CH2OH जो लिखा हुआ है उसमें होगा सेराइन, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट. बायोमोलिक्यूल से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन. Which of the following is correct for the enzyme catalyzed for the reaction? Enzyme के टॉपिक बायोमोलिक्यूल से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बायोमोलिक्यूल से अगर कोई क्वेश्चन आए तो एंजाइम से आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. जो एंजाइम हमें दिया हुआ है और कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो दिया है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट, उधर से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. या जो चारों तीनों छह टाइप के जो इधर जो ऑथिलील करके जो एंजाइम दिए हुए हैं हमें, वो भी उससे भी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. और उसके बाद होमो पॉलीमर, को पॉलीमर, एपो एंजाइम, को एंजाइम, हाँ वो सब देख लेना पड़ेगा. ये सब इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. तो व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट एंजाइम, करेक्ट फॉर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन. सब्सट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम. सब्सट्रेट तो कभी एंजाइम में जाते नहीं, एंजाइम तो बस एक आते हैं जो रिएक्शन को तेज करने के लिए, या रिएक्शन को जो भी करे एंजाइम बाहर से डालते हैं, ये यूज नहीं होते हैं, बस उसका रेट बढ़ाते हैं या कुछ घटाते भी हैं. जैसे हम जो घटाते हैं उसे बोलते हैं पॉइजन, और एक्टिवेटर एंजाइम भी रहते हैं. सब्सट्रेट इज कंज्यूम इन द रिएक्शन कम्प्लीटली, नहीं कम्प्लीटली सब्सट्रेट एब्जॉर्ब नहीं होता, ये भी हम बता नहीं सकते. तो सब्सट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाँ सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. और एंजाइम जो रहते हैं, एंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नहीं एंजाइम सब्सट्रेट भी नहीं जाते, प्रोडक्ट में भी नहीं जाते. जो एंजाइम रहता है वो सब्सट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये होगा करेक्ट आंसर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एंजाइम्स आर कॉल्ड.
प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है एंजाइम का, उसको बोलते हैं हम एपो एंजाइम। तो प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एंजाइम जो रहता है वो एपो एंजाइम, ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत साल नीट में आया है क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है नीट में ये क्वेश्चन, ये देख लेना ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन, द फ्यूरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, हियर द सेल इज, सेल कौन सा है, हमें बोला कि फ्यूरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड फ्यूरो जो होता है सेल का वो ग्रेजुअली डिपेंड्स करता है, डीप करता है ऐसे फ्यूरो, बाद में ये डिवाइड हो जाता है, ऐसे अंदर की तरफ आता है और बाद में हो जाता है डिवाइड, अल्टीमेटली जॉइंस एंड द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म, दो अलग अलग सेल हो जाता है, ये होता है एनिमल सेल में, क्यों प्लांट सेल में क्यों नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, जो अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा सकता, उनके लिए होता है सेल प्लेट, हाँ या प्राग्मोप्लास्ट बनाते हैं ये। तो द फ्यूरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू द टू, हियर द सेल इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल सेल। Each pole receives half the chromosome number of the parent cell is 2 for which stage? To correct concept stage पूछा है जिसमें से क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है, क्रोमाटिड नहीं, क्रोमोजोम नंबर कौन से हाफ होता है, तो एनाफेज 1 या एनाफेज 2? एनाफेज 2 इसमें सारे टेलोफेज 1 टेलोफेज 2 पूछा है, तो म्यूसिस के बारे में पूछा है, माइटोसिस नहीं, ऑप्शन देके हमें समझना है कि म्यूसिस के बारे में पूछा है। तो ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोजोम नंबर, नॉट द क्रोमोटिड, क्रोमोजोम नंबर पूछा है ऑफ द पेरेंट सेल इन इज ट्रू फॉर व्हिच स्टेज, कौन से स्टेज के लिए करेक्ट है। तो हम जानते हैं कि एनाफेज 1 में जो रहता है दो क्रोमोजोम मेटाफेजिक प्लेट में आते हैं, उसमें से दो क्रोमोजोम डिवाइड होता है, और एनाफेज 2 में क्या होता है, एक क्रोमोजोम का दो क्रोमाटिड डिवाइड होता है, तो इधर पूछा है क्रोमोजोम नंबर हाफ होगा तो होगा एनाफेज 1, इसका आंसर हो जाएगा बी बट। Which one of the following features differentiate G2 phase from the G1 phase? G2 phase से G1 phase को कौन अलग करता है? तो हमें difference जानना चाहिए कि पहले M, G1, S, G2, उसके बाद फिर आएगा, ऐसे चलता रहेगा cell का cycle। तो S phase का क्या होता है हम जानते हैं, S phase में होता है DNA double होता है, नहीं chromosome नहीं, क्या double होता है, DNA content। तो डीएनए कंटेंट अगर कुछ नहीं बोला है इधर डीएनए कंटेंट को, तो हम मान के चलते हैं, जैसे स्टेट ऑप्शन में भी 4C 2C लगा रखा है, तो हम मान के चलते हैं कि इधर 2C है, एस फेज में आके 4C हुआ, तो इधर भी रहेगा डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम कंटेंट नहीं, डीएनए कंटेंट रहेगा 4C। तो क्या सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, नहीं, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन G1 में भी होता है G2 में भी होता है, इसको डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। 2C कंपोनेंट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए, नहीं 2C नहीं, इधर जब आते हैं हो जाता है 4C। और सिंथेसिस ऑफ द आरएनए, नहीं, सिंथेसिस ऑफ द आरएनए नहीं बोल सकते कि ये G1 से G2 को डिफरेंशिएट करते हैं हम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4C कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है 11 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का बहुत समय बाद एक जूलॉजी का क्वेश्चन मिला हमें, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, मेरे समय का क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, हाँ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, वो क्या करते हैं, फैटी एसिड पहले लिम्फेटिक्स की तरफ जाते हैं और उधर टूटते बनते हैं मिसल्स, हाँ मिसल्स उसके बाद इनकॉर्पोरेट होकर बनाता है काइलोमिक्रॉन, और काइलोमिक्रॉन पास आता है विलय का, और उधर से ब्लड में आते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में जो बोला है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, हां ये सही है, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, ये सही है। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टेल्स कैरी काइलोमिक्रॉन इनटू द लिम्फेटिक वेसल, जैसे मैंने बताया है, अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। Given below two statements, the electrolytes present in the saliva secrete into the oral cavity are Na+, K+, Cl-, HCO3-। तो ये भी NCERT का पूरा लाइन है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर का, जिधर पहला जो स्टार्ट होता है चैप्टर नहीं जिधर डाइजेशन की पास स्टार्ट होता है, उधर पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन द सलाइवा सीक्रेट इनटू द ओरल कैविटी और जो आयन कंटेंट कहते हैं, कौन से आयन रहते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम क्लोराइड और HCO3। 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द ओरल कैविटी, ये बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा इधर एसर्शन रीजन पूछा है,
assertion रीजन में हमें ये देखना है दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट हुआ भी तो ये देखना है कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है कि नहीं, ये हमें देखना है। क्योंकि इस बार जितने assertion रीजन आया था ना उसमें एनटीए वाले ने भी कुछ किया था और हमसे भी बहुत गलतियां हुआ था, ये नॉट करेक्ट, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये जानने में, तो इस बात में ध्यान देना। तो इधर जो पूछा है दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर हो जाएगा बी पर गिवन बिलो। फिर assertion reason है और एक क्वेश्चन, alveoli आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आएंगे तो सही बात है लंग्स में आते हैं एयर, उसके बाद alveoli में पास होता है डिफ्यूजन से, तो alveoli इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, द सोलिबिलिटी ऑफ द CO2, ये भी एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, द सोलिबिलिटी ऑफ द CO2 इज अबाउट 20-25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द O2, ये सिंगल क्वेश्चन में भी आ सकता है ये मार्क करके कितने टाइम्स ज्यादा है सोलिबिलिटी ऑफ द CO2, तो इसका आंसर बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, लेकिन ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। What amount of the oxygen delivered by every 100 ml of oxygenated blood in the alveoli? Alveoli में oxygenated blood जो है, oxygen कितना deliver होता है oxygenated blood में alveoli में? हमें पता है इधर से आते हैं oxygenated blood, जाते हैं कहाँ tissue में, tissue में करते हैं metabolize और आते हैं इधर veins से जाते हैं फिर lungs में। तो इधर आया O2, आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल जो ब्लड रहता है ना उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कितना आता है 19.4 ml, और जब जाता है ना CO2 वेन से मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें कितना O2 अमाउंट ऑफ द O2 कितना रहता है 14.4 ml, तो ये टिश्यू यूज कितना किया 19.4 माइनस 14.4 5 ml, ये जो टिश्यू है टिश्यू ने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया। तो व्हाट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड बाय एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे 100 ml में बात हो रहा है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द alveoli, alveoli मतलब लंग्स में कितना जाता है, इधर से आया 19.4 इधर से गया 14.4, तो टिश्यू ने कितना यूज किया 5 ml, तो आंसर हो जाएगा 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है, इसमें पहले जो डिफ्यूजन के पार्ट है उसमें सारे हैं, डिफ्यूजन के जो डिफ्यूजन जो होता है उस किस किस चीज में किस किस पैरामीटर में डिपेंड करता है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर टू इफेक्ट डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाँ डिफ्यूजन जाता है हायर टू लोअर जाता है नॉर्मल डिफ्यूजन में या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, लेकिन एक्टिव जो होता है एक्टिव में जाता है लोअर टू हायर, तो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये तो एक पैरामीटर है जो डिफ्यूजन का इफेक्ट करते हैं, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, हाँ ये भी है एनसीईआरटी की लाइन है ये, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने में डिफ्यूजन ज्यादा होगा प्रेशर बढ़ाने में ज्यादा होगा, लेकिन गैस कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट है नाम में ही है कॉन्स्टेंट, तो ये बिल्कुल भी नहीं इफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जो डिफ्यूजन में इफेक्ट नहीं करेगा। अगली क्वेश्चन था सिलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, यूज एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होते हैं और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी यूज करते हैं हम, यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाँ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कहाँ जा रहा है लो टू हाई की तरफ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स, तो ये विषय ही है। कैरिड आउट बाई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है स्पेसिफिक प्रोटीन का जरूरत होता है, सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, नहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो हो जाता है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन एक्टिव जो जाता है वो लो टू हाई जाता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेट, रॉन्ग ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट बेस्ड, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेशर और एक्सेंस और थ्री सरफेस एंटीजन, हमें पहले एबीओ जो एंटीजन रहता है, एंटीजन कहाँ रहता है, एंटीजन रहता है आरबीसी में, और एंटीबॉडी जो रहता है, एंटीबॉडी रहता है प्लाज्मा में, तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थ्री सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन नेमली एबीओ,
हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन थ्री नेचुरल एंटीबॉडीज, एंटी ए, एंटी बी और एंटी ए बी, ये थ्री नेचुरल एंटीबॉडीज जो है जो प्लाज्मा कंटेन करता है। मैंने पहले भी बोला है कि जो एंटीजन जो रहता है वो रहता है आरबीसी में और एंटीबॉडी रहता है प्लाज्मा में, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ए थिक मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरआर्टेरियल सेप्टम, जो आर्टेरिया के बीच में होता है इंटरआर्टेरियल सेप्टम बोलते हैं उसे, थिक मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरआर्टेरियल सेप्टम सेपरेट द राइट और लेफ्ट आर्टेरिया, नहीं थिक नहीं, इसमें होगा थिन, ये एनसीईआरटी का लाइन है, थिक नहीं थिन होगा, आर्टरी के बीच में जो रहता है वो थिन रहता है, द आर्टेरिया एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय ए थिन फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें थिन नहीं इसमें होगा थिक, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम रहता है वो होता है थिक, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 39 नंबर क्वेश्चन, ईसीजी डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, इन द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट रिप्रेजेंटेशन, ईसीजी में वेव जो रहता है पी क्यू आर एस एंड टी, टी लेते हैं लास्ट में, तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है आर्टेरियल रिपोलराइजेशन एंड क्यू आर एस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, और टी जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो क्या एब्सेंट क्या है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो इसमें एब्सेंट है, तो आंसर हो गया बी पार्ट। 40 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन द लो अमाउंट व्हाइल देयर इज मॉडरेट डिक्रीज, मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डिफिशियंसी सिम्टम्स एंड मॉडरेट इंक्रीज इज कॉज टॉक्सिसिटी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बहुत जरूरी रहता है प्लांट्स के लिए, मॉडरेट डिक्रीज जब रहता है तब जो डिफिशियंसी सिम्टम्स बोलते हैं हमें, और मॉडरेट जब इंक्रीज करते हैं तब हम बोलते हैं इसको टॉक्सिसिटी, एनी मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टू टिश्यूज ऑफ टिश्यूज बाई अबाउट 30%, 30 नहीं ये 10% होगा, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन द सेल रिक्वायर्स एटीपी, हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए हमें एटीपी चाहिए, तो ये होगा सही स्टेटमेंट। इन द इनिशियल फेज ऑफ द मिनरल एब्जॉर्प्शन आयन्स आर टेकन अप स्लोली, नहीं इनिशियल जो दो फेजेस रहता है पहला फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, इनिशियल स्टेज और लास्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज में इनिशियल फेज में मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो रहता है वो फास्ट रहता है लेकिन लास्ट स्टेज में बहुत कम रहता है, मतलब नेक्स्ट स्टेज में लेटर जो इनिशियल के बाद के जो फेसेस रहता है उसमें मिनरल का एब्जॉर्प्शन बहुत कम इतना फास्ट नहीं होता, स्लोली रहता है, इनिशियल फेस में रहता है फास्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नहीं सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट पूछा है हमसे तो इनकरेक्ट हो जाएगा बी और डी, तो बी और डी कहाँ है डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 41 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट, नॉट करेक्ट और किसके बारे में पूछा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, नॉट करेक्ट मतलब क्या है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन है हमें ये ढूंढना है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एक्सेस ऑफ 100 मोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू इन एक्सेस ऑफ नहीं होगा ये एक्सेस ऑफ नहीं होगा 100 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर, इसे इससे कम ही रहता है मतलब 100 मिलीमोल से कम ही रहता है तो एक्सेस ऑफ नहीं होगा ये हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। दे इंक्लूड सी एच ओ एन पी एस के सी एन जी, हमें ये याद रखना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, इससे एनसीईआरटी मतलब नीट में बहुत क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, तो ये तो होगा ही दे इंक्लूड क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट ये है और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है एफ पी एम जी सी ए कुछ होगा एम जी सी ए बहुत सारे हैं मैक्रो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट और ये शायद 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट 8 या 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट है 8। सम एलिमेंट्स अटेंड फ्रॉम द CO2 एंड H2O व्हाइल द अदर्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, ये भी बात भी सही है, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के नीचे ये एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ है, जो सम एलिमेंट अटेंड फ्रॉम द CO2 एंड H2O व्हाइल द अदर्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, COH आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द कहां से C मिलता है CO2 से, H और O मिलता है H2O से, तो हमें नॉट इनकरेक्ट या नॉट इनकरेक्ट नहीं नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कहाँ मिला ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये फिर से assertion is on based एक क्वेश्चन, द कलेक्टिंग डक्ट एंड द डिस्टल एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, द कलेक्टिंग डक्ट एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब विल मेंटेन द आयोनिक बैलेंस एंड पीएच
ऑफ द बॉडी। ये तो बात बिल्कुल सही है, जैसे लास्ट में नेफ्रॉन के जो पार्ट्स रहते हैं ना, उसमें सबका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो पीसीटी डीसी के डीसीटी जो रहता है उसमें रहता ही है। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन इंटू कलेक्टिंग डक्ट, ये बात भी सही है। हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, जो कलेक्टिंग डक्ट में क्या जाके गिरता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, पीसीटी एक हेयर पिन स्ट्रक्चर है, और डीसीटी जो रहता है वो डीसीटी पीसीटी और हेनरी स्लोप, ये यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है, 4 times कॉन्सेंट्रेट कर देता है यूरिन को। तो ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हमें पूछा है एसर्शन रीजन, तो एसर्शन रीजन हमें एक बार देखना है कि दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 43 नंबर क्वेश्चन, फिर एक एसर्शन रीजन फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस, हाँ ये बिल्कुल सही है कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इज ए फिजिकल प्रोसेस, जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है होता है एक फिजिकल प्रोसेस, व्हाइल सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज इज ए केमिकल प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस के वजह से जो ग्लूकोज सिंथेसिस होता है या दूसरा जो प्रोसेस है केल्विन साइकिल टीसीए साइकिल उसमें जब जाता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, लेकिन लाइट एनर्जी जब लीफ में आके ठीक है जब लीफ में आके गिरता है उधर में लाइट एनर्जी जो कंज्यूम्ड होना रहता है वो होता है एक फिजिकल प्रोसेस, तो इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस एंड इट इज द डिस्क्रिप्शन व्हाई इट इज कॉल्ड फिजियोकेमिकल प्रोसेस, तो एसर्शन बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 44 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केल्विन पाथवे ऑकर्स इन ऑल फोटोसिंथेसिस, केल्विन पाथवे या जो यूनिवर्सल पाथवे जो हम कहते हैं हम उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि दुनिया के सारे प्लैनेट में ये केल्विन साइकिल होता है, तो केल्विन साइकिल occurs in all photosynthesis plant, जो स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द केल्विन साइकिल इज रीजनरेशन, हमें पता है कि केल्विन साइकिल में 3 steps होता है, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड द रीजनरेशन, उसमें कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो होता है मोस्ट क्रूशियल स्टेप, ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल, ये इधर के एनटीएस जो होते हैं उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल इज कार्बोक्सिलेशन नॉट रीजनरेशन, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। फिर एक एक्सेप्शन रीजन क्वेश्चन हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हाँ ये बात तो सही है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन जो दिया है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हमें पता चलता है, लेकिन जो रीजन में हमें क्या बोला है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट, नहीं, थिक फिलामेंट जो है मायोसिन वो रहता है नीचे और थिन फिलामेंट जो रहता है एक्टिन वो रहता है ऊपर, तो इधर उल्टा लिखा है कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट, स्लाइडिंग ऑफ द थिक फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट नहीं ये होगा, थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, जो वेट वाला चीज है ना वो नीचे रहेगा, तो थिक जो रहेगा वो नीचे रहेगा और थिन रहेगा ऊपर, तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, आंसर होगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक क्वेश्चन है, इधर जॉइंट्स इसमें कॉलम या करेक्ट इनकरेक्ट करके पूछ सकता है क्वेश्चन नीट में, जो सारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के लास्ट में जो जॉइंट्स और कहाँ कहाँ जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो दिए हुए हैं हमें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है हमारे ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन में रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो थ्री का होगा ए। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट कहाँ रहता है, सैडल जॉइंट रहता है बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, वन, और सी होगा हिन जॉइंट, हिन जॉइंट रहता है नी में, हमारे पैर में रहते हैं नी जॉइंट और हिन जॉइंट, सी फोर का होगा सी, और गिरल जॉइंट ए के बचा हुआ है ये होगा डी पार्ट, तो ए का हुआ ए का थ्री, ये दोनों कॉम्पिटिशन से बाहर, और उसके बाद बी का है तो दोनों में ही वन है, देखना है सी और डी में, तो सी कहाँ है, फोर में, तो सी फोर आंसर है बी में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पर। चलते 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कौन सा ग्लाइकोलाइसिस के इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बोलना है, कौन सा ग्लाइकोलाइसिस के लिए इनकरेक्ट है, तो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होकर, हाँ सब्सट्रेट डायरेक्टली एटीपी इधर बनता है तो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये,
ये वैसे ही है, एटीपी इज फॉर्म्ड। हाँ एटीपी इज द फॉर्म होता है, द एंड प्रोडक्ट इज CO2 एस्टर, नहीं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इधर नहीं होता है, इधर बनते हैं पाइरूवेट। CO2 और एस्टर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है, इधर नहीं। तो द एंड प्रोडक्ट इज पाइरूवेट नॉट CO2 एस्टर, तो ये इनकरेक्ट और एटीपी इज यूज्ड। हाँ पहले जो एनर्जी पेइंग फेज जो रहता है ना उसमें एटीपी यूज होता है, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो फेस होता है नीचे वाला जो उसमें एटीपी फॉर्म होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी पार्ट। 48 नंबर क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर नंबर 14 का लास्ट पेज में पूरा है ये फॉर्मूला एनसीईआरटी का। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम। ये पूरा फॉर्मूला है, रेटिफिकेशन जैसा है, ये रख लेना है, ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है नीट में। उसके बाद 49, द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक द एमिग्डाला, ये ब्रेन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ब्रेन पार्ट का लास्ट लाइन। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर लाइक द एमिग्डाला फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे एक्साइटमेंट रेज फियर उसको कंट्रोल करता है, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं हमें उसको। आंसर होगा सी पार्ट। ये आज हमारे लाइव क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेस नो रोल इन द हियरिंग सच एज बट इन अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। वेरी मच रिक्वायर्ड क्यों, ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी को, इसीलिए ये वेरी मच रिक्वायर्ड, लेकिन ये हियरिंग में, ईयर की हियरिंग में कोई ऐसा रोल नहीं है। तो कौन सा होगा, यूस्टेचियन ट्यूब ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड ईयर ऑसिल जो रहता है ना वो तो हियरिंग में हेल्प करता है, लेकिन वेस्टिब्यूलर एपरेटस जो है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस हियरिंग में ऐसा कुछ ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल रहता है बॉडी बैलेंसिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टिब्यूलर एपरेटस, आंसर हो जाएगा सी पर। तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं आज के लाइव क्लास, 50 क्वेश्चन आज जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन फॉर नेट 2022 ये समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और कल अगर हो तो फिर हम मिलेंगे। और 12 का जो चैप्टर ये तो आज मैक्सिममली जो था 11 का था, 12 का क्वेश्चन लेके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नीट जो बोलते हैं वो हम करेंगे। तो इस वीडियो इधर एंड करते हैं।